Hello my dear students, my name is Manvendra Jeevan and this video is for class 4th, 2nd chapter. यह वीडियो क्लास फोर के लिए है और सेकंड चैप्टर के लिए, और इसी वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर शुरू भी कर रहा हूँ और फिनिश भी कर रहा हूँ. ओके, सो इस सेकंड चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर में होने वाले जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में, जितने भी मैक्सिमम जो सोशल लाइफ में है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. पहली बात, इनपुट डिवाइस होता क्या है. इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है या वह हार्डवेयर है जिसके कारण, जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर में टास्क दे पाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, ऑर्डर दे पाते हैं कि भाई तुम कंप्यूटर मेरे लिए काम करके दो. कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं करता, कंप्यूटर की मशीन है जैसे बाइक, कार या और भी मशीन. जब तक आप बाइक या कार स्टार्ट नहीं करेंगे या उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, क्या गाड़ी या बस चलेगी, नहीं चलेगी. उसी तरीके से कंप्यूटर को अगर आपने ऑन कर दिया और चुपचाप उसके सामने खाली हाथ बैठ जाइए, तो क्या कंप्यूटर को काम करना चालू कर देगा अपने मन से? नहीं. जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वह काम नहीं करेगा. तो इसी इंस्ट्रक्शन देने के काम को इनपुट कहते हैं, इसी इंस्ट्रक्शन देने के काम को, या जो सवाल आपको सॉल्व करना है वो दीजिए. ओके, आपको ड्राइंग बनाना है तो आप ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर के पेंसिल को क्लिक करते हैं पेंट ब्रश में और अपने हाथ से उसको ड्रॉ करते हैं. यानी कि आप एक तरह से कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई तुम इस पेंसिल से इस रंग से ये वाली लकीर या ये वाला शेप ड्रॉ करो, बनाओ. दैट इज इनपुट. इनपुट का मतलब नहीं है कि सिर्फ कमांड दे दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, कंट्रोल पी से प्रिंट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया. सिर्फ यही नहीं है, पेंट करना भी इंस्ट्रक्शन देने की ही तरह होता है. नोटपैड में टाइप कर रहे हैं, वर्ड पैड में टाइप कर रहे हैं, तो ये भी उसको इंस्ट्रक्शन देना हुआ, राइट? तो ये हुआ इनपुट. तो इनपुट करने का मतलब है कंप्यूटर में कोई चीज़ रिकॉर्ड डालना या उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको इंस्ट्रक्ट करना कि भाई तुम मेरे लिए मशीन, तुम मेरे लिए ये जॉब करो. दैट इज इनपुट. इनपुट का सबसे नंबर वन और सबसे फैमिलियर पार्ट है डिवाइस है कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट करते हैं, अल्फ़ाबेट करते हैं, नंबर करते हैं, कमांड्स करते हैं, स्पेशल सिंबल करते हैं जैसे एट द रेट, हैश, ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, कॉमा, एम्परसेंट, परसेंटेज का साइन. ये सब क्या हुआ, कीबोर्ड. नॉर्मली एक कीबोर्ड में 102 से लेके 110 तक, यानी कि 102 से लेके 110 तक की होते हैं. की माने बटन. अगर गिनती की जाए तो उसकी गिनती कितनी होगी, 102 से लेके 110 तक. यह अलग अलग तरह के कीबोर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज जो है वो 102 से 106 के बीच में आता है, राइट? दैट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड दोनों तरह का मार्केट में आता है. अगर आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं जिसमें स्क्रीन अलग है, सीपीयू अलग है, कीबोर्ड अलग है, हम उस मशीन की बात करें तो लैपटॉप में तो सब कुछ सेम आ रहा है, सब कुछ उसी के साथ ही कीबोर्ड आता है. तो मैं अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर जो आपके आपके स्कूल के लैब में उसकी बात कर रहा हूँ. तो वहाँ पर कीबोर्ड जो है एक तार से USB केबल से जुड़ा होता है, जिसका केबल आप CPU में लगा देते हैं तो कीबोर्ड आपका काम करने लगता है. वायरलेस कीबोर्ड भी आता है जिसमें ब्लूटूथ और बैटरी लगी होती है, जो उससे कि आप मशीन कंप्यूटर कहीं भी रहेगा, आप 10 फीट 15 फीट पर बैठ करके कहीं पर भी बैठ कर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, वह सिग्नल कैच कर लेगा. जैसे आपका टीवी का रिमोट तो टीवी के साथ नहीं ना ऐड है, फिर भी काम करता है. तो उसी तरह से कीबोर्ड, सेम सेकंड माउस भी दोनों तरह के आते हैं. माउस से हम कीबोर्ड और माउस पर डिपेंड क्या है कि माउस से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया. खास करके ड्रॉ करने और सेलेक्ट करने में बहुत अच्छा इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड में हम सिर्फ लिख सकते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन माउस से एक तरह से वह आपकी उंगली कंप्यूटर में बन जाती है. जैसे आप अपनी उंगलियों से पेंसिल और पेन पकड़ के अपने कॉपियों पर लिखते हैं, उसी तरीके से आपको पेन पेंसिल माउस दे देता है. दैट इज योर माउस. माउस भी विथ वायर और वायरलेस दोनों आता है. समझ में आ गया. तीसरा है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक कई बार सिंगल बटन, सिंगल हैंड वाला आता है, कई बार डबल अंगूठे से खेलने वाला आता है, जो कि गेम खेलने के पर्पज से काम आता है.
ठीक है। आजकल कंप्यूटर में गेम डिवाइस करने के लिए एरो की का हम लोग यूज करते हैं, या कोई न्यूमेरिकल की पैड का यूज, 1 2 3 यूज करते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं शूट करने के लिए एंटर का की का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छा गेम खेलना है तो आप जॉयस्टिक का पैड खरीद करके उसको अपने कंप्यूटर में ऐड करके यूएसबी से आप उसको खेल सकते हैं, दैट इज योर जॉयस्टिक। यानी कि एक तरह से यह गेम कंट्रोलर की तरह काम करता है, गेम को कंट्रोल करता है। लाइट पेन, लाइट पेन दो तरीके का होता है, एक यूएसबी से होता है जुड़ा हुआ और एक होता है वही वायरलेस। इससे क्या होगा कि आप कंप्यूटर के पैड पर, अगर आपका कंप्यूटर का स्क्रीन टच स्क्रीन है, या खास करके इसका यूज हम लोग मोबाइल से स्मार्टफोन में यूज करते हैं, तो आप जो अपने हाथ से अगर उस पेन से जो भी उस पर ड्रॉ करोगे हूबहू वो कंप्यूटर में वैसा ही ड्रॉ हो जाएगा, लगभग ये माउस की तरह है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका स्क्रीन टच स्क्रीन होना चाहिए। टच स्क्रीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एटीएम मशीन का स्क्रीन, जिस पर कि आप उंगली से दबा के ओके कैंसिल का यूज करते हैं, तो लाइट पेन वहाँ यूज होता है। जनरली लाइट पेन मोबाइल्स में अभी यूज हो रहा है। स्कैनर, प्रिंटर जो आजकल आपने देखा होगा 3-in-1 आता है, जिसमें फोटोकॉपी हो सकती है, स्कैन हो सकता है और प्रिंटिंग हो सकती है। तो स्कैनिंग का मतलब यह होता है कि किसी भी रिटन या पिक्चर को, अगर आप कॉपी किताब की किसी पिक्चर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, मतलब डालना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि आप मोबाइल से स्नैप खींच लीजिए, उसको कंप्यूटर में भेज दीजिए। दूसरा, उससे भी अच्छी और तस्वीर लेनी हो, एक तरह से कंप्यूटर में तस्वीर लेने के लिए यह स्कैनर यूज किया जाता है, तस्वीर ही ली जाती है और कुछ नहीं ली जाता है। तो यह एक तरह से फोटोकॉपी की तरह है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, डायग्राम को, फोटोग्राफ को, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को कॉपी करके सिस्टम में डाल देता है, दैट इज ए स्कैनर। टच स्क्रीन, जिसकी भी थोड़ी देर बाद पहले बात की, वैसे स्क्रीन जिस पर कि उंगलियों से दबा करके कमांड दिया जा सके। अब ऐसे लैपटॉप के स्क्रीन आ भी रहे हैं मार्केट में, जिसमें कि आप कीपैड का यूज करते हुए माउस को सीधे स्क्रीन से ऑपरेट कर सके, दैट इज टच स्क्रीन। ठीक है, माइक्रोफोन, आजकल माइक्रोफोन आपके हेडफोन में है। देखिए, अब इस हेडफोन को थोड़ा समझिए, हेडफोन में दो पार्ट, एक ये देखिए मैं अपनी उंगलियों से दिखा रहा हूँ, ये है स्पीकर जिससे आवाज़ बाहर आती है, दैट इज आउटपुट। लेकिन यह जो डिवाइस है यहाँ पर, ये वाला, ये जो गोल वाला हिस्सा, इससे मेरी आवाज़ इस कंप्यूटर में जा रही है, जब जाएगी तो इनपुट और बाहर आएगी तो आउटपुट, तो एक ही चीज़ में दोनों चीज़ आ गई। इससे पहले क्या था कि बाकायदा माइक की तरह का ऑब्जेक्ट आता था, उसको यूएसबी से हम जोड़ देते थे, आपके बुक में इसकी तस्वीर दी भी गई है। यह था माइक्रोफोन, यहाँ कि अगर आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं। लेकिन अब वह काम आपका हेडफोन कर सकता है, एक ही डिवाइस में दोनों चीज़ें, आउटपुट स्पीकर से और इनपुट हेडफोन से, इसको बोलते हैं हेडफोन और इसको बोलते हैं स्पीकर। ओके, ट्रैक बोर्ड, ये थोड़ी पुरानी चीज़ है, पहले कंप्यूटर के लैपटॉप पर जहाँ पर टच पैड होता है, जिससे कि आप स्क्रीन को पर माउस को ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर एक गोल जैसा, एकदम राउंड जैसा पार्ट आता था, जिसको कि हम गोल गोल घुमा करके माउस का यूज करते थे। बाद में वही गोल बॉल माउस में भी आया, लेकिन अब को है बीच में व्हील आ गया है पहिए की तरफ, जिससे कि स्क्रॉल करने को पड़ता है। तो यह पुरानी चीज़ हो गई, ये इसको बोलते थे ट्रैक बोर्ड। ओके, नाउ इनपुट डिवाइस नॉर्मली इतना ही खत्म हुआ, अब आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मेनली आपका दो पार्ट है, दो, एक तो स्क्रीन जहां आप अपना आंसर देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, दूसरा ये हेडफोन जिससे कि आपको आवाज़ कान में आ रही है, तीसरा प्रिंटर जहां आप अपने चीज़ों को हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं। तो आउटपुट का सबसे अच्छा डिवाइस, सबसे फर्स्ट डिवाइस है स्क्रीन, जिसको हम लोग मॉनिटर भी बोलते हैं। मॉनिटर जनरली आपके बुक में दिया हुआ है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूज यूनिट, कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT, और दूसरा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT पुराना वाला था, जिस टीवी जैसे आजकल आप लोग घर में LCD टीवी आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एकदम फ्लैट टीवी। लेकिन पुरानी वाली टीवी और घर में हो या मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत पीछे से बड़ा सा बहुत एकदम टीवी जैसा था, पिक्चर ट्यूब की तरह, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। मेरे पास जो पहले कंप्यूटर हुआ करता था वो LCD से CRT ही था,
अब जिसमें मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ वो लैपटॉप है, तो लैपटॉप में एलसीडी है फ्लैट, इसको एलसीडी बोलेंगे, और जिसमें टीवी में पूरा पीछे का हिस्सा निकला हुआ हो उसको बोलेंगे सीआरटी। क्लियर? स्कूल में भी आपके सब में एलसीडी है, फिर बाद में एलईडी भी है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स। नाउ प्रिंटर, प्रिंटर कई तरह का होता है, दो तीन तरह के प्रिंटर हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। आजकल नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर का मतलब कि हर सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करेगा। तो उसमें क्या होता था कि उसमें होता क्या है कि उस प्रिंटर के हेड पर हेड जो है कागज़ पर टच करेगा, उसका हेड कागज़ पर टच करेगा और उसके बाद से वो करेगा। रेलवे डिपार्टमेंट में आज भी ये मशीन यूज करें, उसमें आवाज़ आती है कै चै किस तरह से आवाज़ आती है, तो इसको बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर, जिसमें 30 लेटर से 600 लेटर करेक्टर तक एक मिनट में वो टाइप मतलब प्रिंट कर सकता है। लेकिन इसमें प्रिंटर में उसका हेड कागज़ पर टच करेगा, इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है, सहज उसकी इंक जो है वो फैल जाती है कागज़ पर। इसका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, जो बहुत आवाज़ करता है। जनरली रेलवे डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट पे यह प्रिंटर आपको मिल जाएगा, ब्लॉक्स में भी मिलेगा। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, लेकिन यह 200 से 2000 लाइंस पर मिनट प्रिंट कर देता है, यह उससे ज़्यादा तेज होता है। और यह इसका भी लाइन लाइन प्रिंटर्स में भी क्या है कि कुछ लाइन प्रिंटर्स पेज पर टच करते हैं, कुछ लाइन प्रिंटर पेज पर टच नहीं करते, लेकिन ये भी अब पॉपुलर नहीं रहा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर में सबसे बड़ा ये फ़ायदा ये है कि यह इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, यह एक मिनट में आई थिंक 30 से 40 पेज भी प्रिंट कर सकता है। अगर ज़्यादा कलर हुआ, फोटोग्राफ्स हुए तो थोड़ा कम, और सिर्फ टेक्स्ट हुए तो आराम से 30-40 पेज आराम से निकल सकता है। लेजर प्रिंटर कलर भी आता है, ब्लैक एंड वाइट भी आता है, बोथ आता है, मतलब दोनों, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकता है, कलर भी कर सकता है। इसका फायदा सबसे है कि इसमें कंप्यूटर जो जिस पार्ट से प्रिंट करता है उसको हेड बोलते हैं, वह हेड कागज़ पर टच नहीं करता है, तो कागज़ पर वह स्प्रे करता है, जिससे जो फुहारा मारा जाता है। कई जगह में पेंट करने के लिए, घरों में पेंट करने के लिए स्प्रे का यूज़ किया जाता है, उससे क्या होता है ब्रश उस पर टच नहीं करती दीवार पर, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो लेजर प्रिंटर में भी यही है कि इंक उस पर स्प्रे करता है, दैट इज योर लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। इसका एग्जांपल इंकजेट और लेजर। आउटपुट में स्पीकर की बात करें, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, जो अलग से दो या तीन डिब्बे होते हैं, जिसको यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब आपके मोबाइल चार्जर का जो हेड है जो कि चार्जर पॉइंट से जुड़ा होता है उसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, माउस हो, कीबोर्ड हो, आपके मोबाइल का जैक हो, ये सब एक ही जैसा माउथ का होता है, जैसे पेन ड्राइव हो, उसका सबका ये क्या होता है एक ही जैसा। तो यूएसबी पोर्ट के स्पीकर्स भी आते हैं, या अलग से उसको पावर दे दीजिए तो चलेगा, दैट इज स्पीकर, साउंड बढ़िया निकाले। हेडफोन में क्या है कि सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, आई कैन ओनली हेयर, कि स्पीकर से क्या है सब लोग सुन सकते हैं। मतलब अगर ऐसी हमको कोई जरूरत आ गई कि यह वीडियो या यह ऑडियो सब लोग सुने उस कमरे में बैठे हो, तो हम लोग स्पीकर यूज करते हैं। आप लोग बर्थडे पार्टीज वगैरह में, स्कूल के फंक्शंस में स्पीकर ला के यूज भी किया। इसके बाद एक और बड़ी बड़ी प्रिंटर है, बाई चांस की बात है मेरे लाइफ में मैंने इस प्रिंटर पर मैंने काम किया, उसको बोलते हैं प्लॉटर। यह पूरे एक कमरे की लंबाई का होता है, यह आपने सही सुना, लगभग 5 फीट से लेकर 10 फीट तक, 20 फीट तक ये लंबा हो सकता है। यह बड़े बड़े मैप्स निकालने के लिए, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स निकालने में काम आता है। एक मैप को निकालने में इसको 1 से 6 घंटे तक का समय लग सकता है, वो उस मैप पर डिपेंड करता है। तो मैं इस लाइन में मैंने काम किया हुआ है, जीआईएस लाइन में, मैं जीआईएस इंजीनियर था, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंजीनियर था दिल्ली में, वहाँ इस प्लॉटर पर। ये प्रिंटर सारे प्रिंटर का फादर कह लीजिए, बहुत बड़े कागज़ उस पर, बहुत बड़े बड़े कागज़ आते हैं उसके रोल किए हुए, और जब तक एक कागज़ का प्रिंट आउट नहीं निकल जाए वो प्रिंट, वह मैप भी बहुत कॉस्टली होगा। एक प्रिंटर का मैप का मतलब समझ लीजिए कि 1000 का एक पेज हो बिकने के लिए, बड़े बड़े मैप्स। आपके जो कॉपियों में जो बुक में या बुक्स में जो मैप्स आती है वो मैक्सिमम 10-15 रुपये का आता है, वो बड़ा बड़ा मैप जो कि उतने प्लॉटर पर प्रिंट हुआ है, उसमें फिल्म्स के प्रोमो प्रिंट किए जाते हैं,
हीरो हीरोइंस के, जिससे कि मूवीज का प्रमोशन हो सके। तो दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। टोटल इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे बात की गई। एक डिवाइस और है प्रोसेसिंग, वह प्रोसेसिंग इस चैप्टर में कवर नहीं है। प्रोसेसिंग के बारे में आप ये जानते हैं कि जब भी कोई कंप्यूटर में डेटा डालते हैं और वह कंप्यूटर उस टॉपिक को लेकर प्रोसेस करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करता है और हमको आंसर दिखाता है आउटपुट पर, जो कि हमने आउटपुट देख लिया। ओके, दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर सेकेंड फॉर क्लास फोर्थ। स्टे होम, स्टे हेल्दी। आपको मैंने चैप्टर वन के सारे क्वेश्चन आंसर टाइप करके प्रोवाइड करवा दिए हैं, उसको क्वेश्चन को आंसर को चैप्टर वाइज लिख करके याद कीजिए। और चैप्टर टू का बहुत जल्द मैं आपको क्वेश्चन आंसर सबमिट करूंगा, तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो इस सेशन का सिलेबस ये कंप्लीट होता है इस वीडियो में। ओके, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।